केरल तो लगभग हमारा शून्य की स्थिति में है और ये काम है देश का, तो तमिलनाडु को छोड़ नहीं सकते इसका से हो गए। लेकिन दक्षिण भारत के दो राज्य हमारा केरल और तमिलनाडु आया ही नहीं तो सरकार के सामने हमारी भद्र उठ जाए। और फिर गड़बड़ क्या होने वाली है, गड़बड़ ये होने वाली है क्योंकि वो उत्तर वर्सेस दक्षिण ऐसा जैसे हमारे साथ हो गया तो वो चिंता हमें परेशान कर रही है क्योंकि इतिहास में हमने ये देखा है और उत्तर भारत में पश्चिम भारत में और मध्य भारत में दक्षिण में बहुत कम है। दक्षिण में थोड़े से नंबर बने वो आंध्र प्रदेश में बने, तमिलनाडु में बहुत कम और केरल में तो काफी बड़ा है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर दक्षिण भारत से मान लो हमको करोड़ों में नहीं तो कुछ लाख मेंबर तो मिलने ही चाहिए। कम से कम दक्षिण भारत में हम कल हिसाब निकाल रहे थे तमिलनाडु अकेले राज्य में कम से कम 10 लाख ऐसे भारतवासी हैं जो उत्तर से हम इसमें तमिलनाडु में अपनी तरफ से उसकी बात कर रहा हूँ कि हम कमजोर हैं काफी, हमारा संगठन अभी इतना बड़ा नहीं है, हमारी कक्षाएं भी नहीं चल रही है, शिक्षा भी होने लगे जितने उत्तर और दक्षिण में हैं तो इन सबको बढ़ाने में आप सब 10 लाख मेंबर हमें हो जाए और हर जगह से 20-25 हज़ार का रिप्रेजेंटेशन हो जाए पूरे तमिलनाडु के से तो बात कर, नहीं तो वहीं जाकर एक छोटी सी बात के लिए सारा मामला अटक सकता है। ये और संसद को ये कहने का कि विद्यार्थी इनके बीच में बताएंगे, अगर किसी भाषा की दिक्कत होगी तो मेरी यही दिली तमन्ना थी कि आपका अनुवादन मैं मेरी जिंदगी में एक बार जरूर करूंगा, प्रभु से यही इच्छा करूंगा। और यहाँ पर पधारने के लिए आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और श्रीमान आपका ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान राजीव जी दीक्षित को इस मंच पर आपके ही विषय स्वाभिमान स्वदेशी स्वास्थ्य और चिकित्सा पढ़कर तो मुझे भी ऐसा लगा कि 2.5 घंटे में इतने बहुल विषयों पर आप कैसे हम सबको अपनी विचारना समझाएंगे। और मेरी पूरी विश्वास है कि आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, बार बार आएंगे मदुरई की धरा पर और हमने अपने बहुमूल्य विचारों से प्रेरित और हमें भी इस पद पर आगे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं खुद हूँ इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान सारे देश में चल रहा है, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। यह अभियान परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया 5 जनवरी 2009। अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब लगभग 1.5 साल में ये अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस अभियान में लगभग 2,40,000 योग शिक्षक काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा इसमें पदाधिकारी हैं। अगले 2 साल में 11 लाख योग शिक्षक इस अभियान में और आने वाले हैं।
मतलब 2 साल बाद हमारे पास 13,40,000 योग शिक्षक हो जाएंगे। और ये जो संख्या है 13,40,000, इस संख्या का मतलब है कि भारत के हर गांव में हमारे 2 योग शिक्षक हो जाएंगे। भारत में लगभग 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 2 योग शिक्षक। और साथ ही साथ अगले 4 साल में हम इस अभियान में 5 करोड़ लोगों को मेंबर बनाने वाले हैं, इस अभियान का सदस्य बनाने वाले। और एक व्यक्ति अगर सदस्य बने तो वो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि 50 करोड़ लोगों को हम प्रभावित कर पाएंगे इस अभियान के माध्यम से। काम क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए हमने ये सब शुरू किया है, 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के हर नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। और दूसरा उद्देश्य है भारत देश को निरोगी बनाना, रोग मुक्त बनाना। नागरिक हमारे स्वस्थ हों और देश भी हमारा स्वस्थ हो। नागरिकों को स्वस्थ बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस समय अपने देश में बहुत बीमारियां हैं, इलाज किसी का नहीं है, बीमारियां बहुत हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम जिसको कहते हैं ना प्रगति कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा बीमारियां आगे बढ़ रही हैं। अगर भारत देश की आज की स्थिति का अंदाजा लग रहे हैं आप, तो इस समय भारत में 5,70,00,000 लोग डायबिटीज के शिकार हैं। 5,70,00,000 बहुत बड़ी संख्या है। डायबिटीज बहुत खराब बीमारी और हर साल इसमें लोग मर रहे हैं डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटीज का जो इलाज होता है ना वो डायबिटीज से ज्यादा खतरनाक है। इलाज में क्या होता है, इंसुलिन नाम की एक दवा आपको दी जाती है, या तो इंजेक्शन के माध्यम से या तो गोली के माध्यम से। इंसुलिन बहुत खराब है, डायबिटीज उतनी खराब नहीं है, उससे ज्यादा इंसुलिन खराब है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो ये पक्का मान लीजिए कि उसकी दोनों किडनी फेल होंगी, पक्का है, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार इंसुलिन पर निर्भर हो जाए तो उसके हृदय में कभी भी अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक। और अटैक वो है ना कार्डियक अरेस्ट, एक होता है हार्ट अटैक और एक है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में तो जिंदा रहने की संभावना है, कार्डियक अरेस्ट में बचा नहीं पाते किसी को, क्योंकि समय नहीं मिलता उसमें। किसी भी व्यक्ति का अगर इंसुलिन पर निर्भरता है तो पक्का मानिए कि उसको पैरालिसिस हो जाएगा, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नपुंसकता कभी भी आएगी, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। इंसुलिन की निर्भरता सबसे ज्यादा खराब है। डायबिटीज के जो विशेषज्ञ है ना वो खुद कहते हैं डायबिटीज खतरनाक नहीं है, इंसुलिन खतरनाक है। अब समस्या क्या है कि इंसुलिन के अलावा दूसरा इलाज नहीं है, एलोपैथी में वही एकमात्र इलाज है। इसलिए मैं बहुत दुख से ये बात कहता हूं आपसे कि लोग डायबिटीज से इतने नहीं मरते, इंसुलिन से मरते हैं। और ये बीमारी 5,70,00,000 लोगों को है। ऐसे ही हृदय की बीमारी 4,80,00,000 लोगों को है। ब्लॉकेज है हार्ट में 4,80,00,000 लोगों को। इसी तरह से 12 करोड़ लोगों को आंखों की तकलीफें हैं, किसी को कम दिखता है, किसी को बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रंगों का अंतर पता नहीं चलता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, 12 करोड़ लोग हैं। 14 करोड़ लोगों को दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है। और दमा के बारे में सभी डॉक्टर ये कहते हैं कि दमा दम निकलने के बाद ही जाता है, माने इलाज नहीं है उसका। इसी तरह भारत में 17 करोड़ लोगों को घुटनों का दर्द है,
घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, इसका भी इलाज है आर्थराइटिस। और उसके दो हिस्से हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इससे भी ज्यादा खराब है गाउट, गठिया जिसको आप कहते हैं। 20 करोड़ भारतवासियों को हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन माने बीपी ऊंचा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अगर ये मैं सुनाता ही जाऊं तो आप सुनते जाओगे। 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है और 25 लाख हर साल मर जाते हैं कैंसर में इस देश में। बीमारी ही बीमारी है। भारत सरकार कहती है कि 77 करोड़ भारतवासियों को भयंकर रोग, 77 करोड़, और जिनका कोई इलाज नहीं है, उपाय नहीं। और करीब 23 करोड़ भारतवासियों को सामान्य रोग हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिलाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ये वो रोग हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये लाइलाज नहीं है। लेकिन ये रोग भी करीब 23 करोड़ लोगों को है, माने 100 करोड़ लोग पूरी तरह से बीमारियों की चपेट में है। ये देश की हालत है। अब सरकार के पास इनका इलाज करने के लिए पैसे नहीं। हमारी जो सरकार है, एक साल में 100 करोड़ जो बीमार लोग हैं उनके इलाज पर 23,700 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कुल मिलाकर 23,700 करोड़। और इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी तनख्वाह और टीएडीए देना। माने चिकित्सा का जितना खर्च है उसका 80% तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल की बिजली, हॉस्पिटल का पानी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इन्हीं सब के खर्चे में चला जाता है 20,000 करोड़। आदमी जो है बीमार उनके इलाज पर खर्च होता है 3,700 करोड़। और बीमार हैं 100 करोड़, इसका माने हर आदमी के इलाज पर खर्च होता है 37 रुपया, और वो भी साल भर में, एक दिन में नहीं, पूरे साल में सरकार हर बीमार आदमी के लिए 37 रुपए बजट में खर्च करती है। अब 37 रुपए में 365 दिन क्या इलाज करोगे आप? सर्दी खांसी का भी इलाज नहीं हो सकता 37 रुपए में। डायबिटीज और अर्थराइटिस जैसी बीमारी तो हम भूल ही जाए। माने सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने के, तो परिणाम क्या होता है, हम सब अपना इलाज करने के लिए खुद पैसे खर्च करते हैं। करना चाहिए सरकार को, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं, इसलिए हमें करना पड़ता है। सरकार को क्यों करना चाहिए आपका इलाज? इसलिए कि आप सरकार को टैक्स देते हैं इस काम के लिए। हम सब भारतवासी साल भर में सरकार को 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं साल भर, 21 लाख करोड़। और ये टैक्स हम तीन जगह देते हैं, एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकार को देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं। केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं हर साल, वो करीब 8.5 लाख करोड़ है, 8,50,000 करोड़। राज्य सरकारों को देते हैं वो करीब 10 लाख करोड़। 33 राज्य हैं तो सबका मिलाकर मैं बोल रहा हूं 10 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ हम देते हैं नगर पालिकाओं को। भारत में करीब 14,000 नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 2.5 लाख करोड़ नगर पालिकाओं को दे दिया, 10 लाख करोड़ राज्य सरकार को, 8.5 लाख करोड़ केंद्र को, कुल मिलाकर हमने दे दिया 21 लाख करोड़। और ये जो टैक्स हमने दिया इस उम्मीद में कि सरकार हमारी चिकित्सा की सुविधा करेगी, बिजली की सुविधा करेगी, पानी की सुविधा करेगी, सड़क की सुविधा करेगी, शिक्षा की सुविधा करेगी,
हमारी सुरक्षा की सुविधा करेगी, विदेशी आक्रमण से देश को बचाएगी, इसलिए तो टैक्स देते हैं, नहीं तो टैक्स देने का मतलब क्या। अब हम तो दे रहे हैं ईमानदारी से हर साल टैक्स, लेकिन सरकार उतनी ईमानदारी से हमारे ऊपर वो खर्च नहीं कर रही है। अगर मैं मोटी मोटी सी जानकारी आपको दूं, तो हर आदमी सरकार को साल में 21,000 से ज्यादा का टैक्स भर रहा है, हर आदमी, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर का तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो जो दे रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। गरीब से गरीब आदमी साल में 21,000 रुपए टैक्स में दे रहा है और सरकार बदले में उसको 37 रुपए दे रही है चिकित्सा के खर्च पे, क्या होगा उसे? शिक्षा का खर्च अगर मैं बताऊं तो सरकार 33 रुपए हर आदमी को खर्च कर रही है शिक्षा के लिए, 37 रुपए हैं चिकित्सा के खर्च में, शिक्षा के लिए 33 रुपए। पानी की व्यवस्था अगर करें तो उसके लिए 7 रुपए हर आदमी के लिए, सड़क की बात करें तो लगभग 9 रुपए। एक दिन मैंने ये सब जोड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सब मिलाकर सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है मुश्किल से 75 रुपए साल में, और हम सरकार को दे देते हैं 21,000 रुपए साल में हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति पर खर्च हो रहा है 75 रुपए साल में। मतलब बात सीधी सी है कि हम जो दे रहे हैं बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जा कहां रहा है सब पैसा? हम तो दे रहे हैं टैक्स में। किसी भी साल भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि भारतवासियों ने हमें टैक्स नहीं दिया, हर साल हम टैक्स दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। अभी 10-12 साल पहले 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते थे, अब 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इस समय सरकार कहती है कि अगले 2 साल में 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देंगे, माने टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, माने टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, माने सरकार की आमदनी बढ़ रही है। फिर सरकार को क्या मुसीबत है खर्च करने? और नए नए टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा सर्विस टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा कभी सर्विस टैक्स सरकार ने लगा रखा है। तो नए नए टैक्स भी हमें देने पड़ते हैं और हमारी सुविधा के लिए पैसे भी खर्च नहीं होते। आखिर ये जाता कहाँ है सारा पैसा, क्या होता है इस पैसे का? तो इसके बारे में थोड़े दिन पहले एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने एक उत्तर दिया था और कोई प्रधानमंत्री इसका उत्तर दे नहीं सका। राजीव गांधी ने उत्तर दिया था संसद में, जब वो प्रधानमंत्री बन के आए 1984 में, तो लोकसभा में सबसे पहला भाषण उनका जब हुआ तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि लोग जो टैक्स के रूप में हमें पैसा देते हैं सरकार को, बदले में हम लोगों को क्या दे दें। तो उनका ये उत्तर था कि कोई आदमी अगर 1 रुपया मुझे टैक्स के रूप में देता है, राजीव गांधी का लोकसभा में बयान है कि अगर कोई एक आदमी मुझे 1 रुपये टैक्स में देता है तो बदले में हम उसको 1 रुपये टैक्स के उसमें से निकाल के, खजाने में से निकाल के विकास के लिए देते हैं, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा जेल में गया, अधिकारियों की जेल में गया। और पूरे देश का आंकड़ा यह निकलता है 18 लाख करोड़ हर साल लूटता है इस देश में, घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में। तो आपके लिए फिर पैसे बचेंगे कहाँ? 21 लाख करोड़ का टैक्स दिया आपने, 18 लाख करोड़ लूट गया, अब उसमें से जो बच गया 3 लाख करोड़, उसमें से जाएगा सेना के लिए 1.5 लाख करोड़, तो अब रह गया 1.5 लाख करोड़। अब 1.5 लाख करोड़ में क्या होगा पूरे देश का जिसकी आबादी 120 करोड़? इसलिए भारत में कोई भी काम सरकार ठीक से नहीं कर पाती, ना शिक्षा का कर पाती है, शिक्षा का काम कितना बुरा है सरकार का। आजादी के 63 साल के बाद भी भारत में 50 करोड़ लोग निरक्षर हैं,
और इससे भी ज्यादा दुख है मुझे कि भारत में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना पहली कक्षा में सारे देश में, उसमें से मुश्किल से 2% ही उच्च कक्षा तक पहुंच पाते हैं। पहली कक्षा में अगर मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो आखिरी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वो 2 रह जाते हैं। आखिरी कक्षा माने एमए मान लो, एमएससी मान लो, एमकॉम मान लो, एमबीए मान लो, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। से ही निकल जाए, इतना बुरा हाल है हमारी शिक्षा। और 50 करोड़ से ज्यादा निरक्षर हैं इस देश में। और इससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि भारत में जितने विद्यालय चल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने वाले, इनमें से 90% विद्यालयों में टॉयलेट नहीं है और बाथरूम नहीं है। 90% पूरे भारत। और जहां टॉयलेट नहीं होगा, बाथरूम नहीं होगा, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा। वो स्कूल पेड़ के नीचे लगते हैं, बारिश भयंकर हो जाए तो स्कूल नहीं चलता, इतना बुरा हाल है। बिजली की बात करें तो बिजली हिंदुस्तान में अभी आजादी के 63 साल के बाद 3 लाख गांव तक पहुंची नहीं अभी तक। मेरा जन्म उत्तर भारत के एक गांव में हुआ, उस गांव का जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ जो है दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, माने राजधानी के नजदीक है। तो मेरा गांव राजधानी से 130 किलोमीटर है और मेरे गांव में बिजली नहीं है अभी। मेरी पूरी पढ़ाई लालटेन में की है मैंने, मोमबत्ती और लालटेन। और मेरे जैसे 3 लाख गांव है देश, इतना बुरा हाल है। सड़क नहीं है 4 लाख गांव में, बिजली नहीं है 3 लाख गांव में, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाएं नहीं है। तो ये इतना बुरा हाल देश का क्यों है? एकमात्र कारण है उसका राजीव गांधी का उत्तर कि हम जो टैक्स में इकट्ठा करते हैं इसका 85% लूट लेते हैं हम, 15% बचता है, उसमें पूरे देश का खर्च नहीं चल पाता। अब मैं इससे भी ज्यादा खराब बात आपसे कहने आया वो ये कि राजीव गांधी अब जीवित नहीं, उनका बेटा है राहुल गांधी, वो इस समय लोकसभा में है। उसने अभी कहा कि मेरे पिताजी के समय में 1 रुपए से 15 पैसा गरीब आदमी तक पहुंचता था, अब मेरे समय में 1 रुपए से 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। अब 2010 में इतना बुरा हाल, सिर्फ 8 पैसा पहुंचता है। माने भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, घूसखोरी रिश्वतखोरी और बढ़ गई। तो हम ये अपेक्षा अब नहीं रख सकते कि सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था करे, चिकित्सा की व्यवस्था करे या विकास करे, हो ही नहीं सकता। जब तक भ्रष्टाचार पर हम रोक नहीं लगाते, कानून नहीं बनाते, कठोरता नहीं उठाते, तब तक तो किसी का भी विकास होना संभव नहीं। अब एक तरफ ये स्थिति है, सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने, और दूसरी तरफ बीमारियां रात दिन बढ़ रही हैं, तो क्या किया जाए? तो एकमात्र उपाय है कि हर आदमी को इलाज करने के लिए खुद तैयार किया जाए। हमारे बजट में 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं अक्सर, आप बजट भाषण सुने ना, तो सरकार का वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो 2 शब्दों को बार बार रिपीट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा किया गया खर्चा। तो मैंने कहा हर व्यक्ति पर 37 रुपए खर्च होगा सरकार, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आपके द्वारा आपके लिए किया गया खर्चा, वो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्च नहीं करेगी चिकित्सा पर तो आपको ही खर्च करना पड़ेगा अपनी चिकित्सा पर।
तो दुख ये है कि आप 21 लाख करोड़ का तो टैक्स दे देते हो, फिर उसके बाद अपने इलाज पर 7 लाख करोड़ रुपए और खर्च करते हो हर साल। सरकार को दे दिया 21 लाख करोड़, अब 7 लाख करोड़ और खर्च करोगे तब आप अपनी चिकित्सा की व्यवस्था कर पाओगे, माने ये है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। और ये जो 7 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करोगे अपने इलाज पर, ये कहां से आएंगे? तो इस पैसे को जमा करने के लिए कोई दुकान बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई घर के गहने बेचता है, कोई दुकान और मकान को गिरवी रखता है, कोई खेत बेचता है, कोई खलिहान बेचता है, और किसी के पास बेचने को कुछ नहीं है तो कर्ज लेता है, तब जाके इलाज हो पाता है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। एक छोटी सी इलाज की बात करूं, हमको हार्ट अटैक आए तो हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए, उसका नाम है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सबसे आसान ऑपरेशन है, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे आसान, लेकिन ये कितना महंगा है आपके लिए। एक एंजियोप्लास्टी कराने में कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में 2 लाख 2.5 लाख खर्च होता है। और इलाज में किया क्या जाता है, आपके हृदय में रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, कुछ रक्त लेके आती है कुछ लेके जाती है। बारे में अच्छे से पता चल गया डॉक्टर को कि मोटी पार्टी है तो 3 लाख भी ले लेते, और आप में थोड़ी बेशर्माई है, वैसे है नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग जो थोड़े बेशर्म किस्म के हैं वो डॉक्टर से भाव तोल करेंगे तो उनसे 75,000 भी ले लेगा वही डॉक्टर, कभी कभी 50,000 में भी कर देगा वही ऑपरेशन, क्योंकि उसका क्या जाता है, 10 रुपए का माल है उसका, 50,000 भी उसको पैसे ही मिले। और आजकल चेन्नई और बेंगलोर में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो एक पर एक फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, एक पर एक फ्री, बहुत हॉस्पिटल। तो माने ऐसा धंधा चल पड़ा है जैसे सब्जी भाजी बेचने का, 1 किलो आलू लो 1 किलो प्याज फ्री, एक ऑपरेशन कराओ दूसरा ऑपरेशन फ्री, इसका माने लूट इसमें इतनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। और कानून कोई है नहीं इस देश में, आप एंजियोप्लास्टी मदुरई में कराओ, हो सकता है 75,000 खर्च हो, वो मद्रास में कराओ हो सकता है 1 लाख रुपए खर्च हो, वो दिल्ली में कराओ तो हो सकता है 1.5 लाख खर्च हो, कुछ फिक्स नहीं है। एक ही ऑपरेशन 3 अलग शहरों में कराओ अलग अलग खर्चा है, जबकि वो डलना एक ही स्प्रिंग है 10 रुपए का। ध्यान रखना 10 रुपए का माल आपसे 1.5 लाख रुपए लेगा। और इसमें समस्या पता है क्या है, समस्या ये है कि जो स्प्रिंग डालते हैं वो 6-8 महीने में बेकार हो जाता है, उसकी उम्र उतनी है, 6 से 8 महीने के बाद वो बिल्कुल बेकार है, फिर दोबारा अटैक आपको आता है, फिर दूसरी स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, फिर 6-8 महीने बाद तीसरा अटैक आता है, और 3 अटैक के बाद फिर आपकी जयराम जी की हो जाएगी। डॉक्टर आपसे ले लेगा कम से कम 4.5-5 लाख और आप भगवान जी के पास चले जाएंगे, ये है सारा खेल। कारण जानते हैं क्या है, ये जो एंजियोप्लास्टी है ये सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं ये सफल नहीं है। तो आप कहोगे जी बाईपास कराएं क्या, बाईपास भी सफल नहीं है, आज आपने बाईपास कराया कल फिर अटैक आ सकता है, आप कोई गारंटी नहीं उसकी। तो आप कहो ओपन हार्ट सर्जरी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, ये तो बड़ी समस्या है, खर्चा भी करें और इलाज की कोई गारंटी नहीं। सभी के बारे में यही कहा जा सकता है, आपको अगर बीपी है हाई, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपका बीपी ठीक करा दे वो किसी भी दवा से, वो कहेगा जिंदगी भर खाओ गोली, और जिंदगी भर तो खाना खाया जाता है, गोली थोड़ी खाई जाती, गोली तो महीने 2 महीने खाए ठीक हो जाए उतना ही है, खाना खा सकते हैं रोज,
लेकिन वो कहते हैं रोज गोली खाओ, चार सुबह चार दोपहर चार शाम, गोली ऐसे खाओ जैसे सब्जी खाते हो, सब्जी की जगह गोली खाओ, ऐसा पूरे देश में माहौल। डायबिटीज हो जाए तो जिंदगी भर इंसुलिन लगाओ, हाई बीपी हो जाए जिंदगी भर गोली खाओ, ये गठिया बात हो गया जिंदगी भर पेन किलर खाओ, ये समस्याएं देश में है। और एक बहुत खराब स्थिति है कैंसर के मरीजों की, कैंसर के मरीजों का तो इतना बुरा हाल है, लाखों रुपए तो चले जाते हैं, मरीज भी चला जाता है। और कैंसर के सारे डॉक्टर एक बात कहते हैं कि मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है उससे मरता है, जो कीमोथेरेपी और वो सब करते हैं ना उसमें मर जाता है। तो ऐसा घटाटोप का माहौल है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो एकमात्र रास्ता हमको दिखाई देता है वो ये कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो अपनी हर बीमारी को खुद ठीक करे, डॉक्टर पे निर्भर ना रहे, दवाओं पे तो बिल्कुल ना रहे। हम जो दवाएं खाते हैं, डॉक्टर हमें जो दवाएं खिलाता है, शायद आप नहीं जानते जिन दवाओं को आप खाते हो दुनिया में उन्हें कोई नहीं खाता। अमेरिका के लोग जिन दवाओं को नहीं खाते, जर्मनी के लोग नहीं खाते, फ्रांस में नहीं खाते, इंग्लैंड में नहीं खाते, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जिन दवाओं को नहीं खिलाता अपने लोगों को, वो दवाएं हम खाते हैं। नाम लेके बताता हूं, एक दवा है उसका नाम है बोवेरॉन, ये अक्सर खिलाई जाती है जब बुखार आता है, तो बोवेरॉन का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर या गोली खिलाता है। आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी कि दुनिया के 56 देशों में बोवेरॉन नाम की दवा 20 साल से बंद है, 56 देशों में, 56। कारण क्यों? बोवेरॉन का इंजेक्शन अगर गलती से आपने लगवा लिया कभी भी किडनी फेल हो जाएगी, सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उसका किडनी पे होगा। और हम तो पतंजलि योगपीठ में रहते हैं, हर दिन 2000 मरीज आते हैं हमारे यहाँ, हमारी ओपीडी भारत की सबसे बड़ी ओपीडी है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के, 2000-2500 मरीज रोज आते हैं, कम से कम 500 मरीज रोज आते हैं जिनकी किडनी फेल हुई रोज। और कहानी जब सुनता हूं मैं उनकी तो कहानी एक ही है जी, बोवेरॉन का इंजेक्शन लगाया किडनी फेल। कोई कहेगा जी पैरासीटामोल मुझको दिया किडनी मेरी फेल। तो पैरासीटामोल और बोवेरॉन ये दो खतरनाक दवाएं दुनिया के देशों में कहीं नहीं बिकती क्योंकि ये किडनी फेल कराती हैं, भारत में धड़ल्ले से ये दोनों ही दवाएं बिक रही। एक दवा है उसका नाम है क्विलोकिनोल, ये दवा दी जाती है जब आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री, दस्त हो जाए, पेचिश हो जाए, तो डॉक्टर आपको क्विलोकिनोल जरूर खिलाएगा। ये क्विलोकिनोल दुनिया के 104 देशों में बंद है पिछले 40 साल से। कारण क्या है? क्विलोकिनोल अंतड़ियों में घाव कर देती है और वो घाव बढ़ते बढ़ते अल्सर, फिर पेप्टिक अल्सर में बदलता है, बाद में कैंसर होता, आदमी मर जाता है। बच्चे को गलती से आप क्विलोकिनोल दे दें तो आंखों की रोशनी चली जाती है, इतनी खतरनाक है। भारत में खूब धड़ल्ले से दवा बिक रही है। एक दवा है उसका नाम है मैक्साफॉर्म और एक उसकी सहयोगी दवा है एंट्रोबायोफॉर्म, बहुत ही खतरनाक दवा है, 150 से ज्यादा देशों में बंद है ये दोनों दवा, भारत में बिक रही है। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन सब बंद है, हमारे पड़ोसी देशों में बंद है, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत में बिक रहे। ऐसी अपने भारत में 84,000 दवाएं बिक रही हैं जो दुनिया भर में बंद है। कैसे चल रहा है ये सारा खेल? ये सारा खेल चल रहा है करप्शन पे। दवा बेचने वाली कंपनियां मिनिस्टर को पैसे खिलाती हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, उस लाइसेंस से दुनिया की सबसे घटिया से घटिया दवा बनाते हैं, फिर वही बेचने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं,
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम का एक जीव पैदा हुआ है सारी दुनिया में, ये दवाएं बिकवाने के काम रात दिन धंधे में लगा रहता है। वो एक एक डॉक्टर के पास जाएगा, कन्विंस करेगा उसको और कहेगा डॉक्टर साहब देखो नई दवा आई है हमारी कंपनी की। डॉक्टर पूछेगा मेरा क्या, तो वो कहेगा 30% कमीशन आपका, 25% आपका, 40% आपका। डॉक्टर उस कमीशन के लालच में दवा लिखना शुरू कर दे। नेताओं को कमीशन दिया, लाइसेंस मिला, फिर डॉक्टर को कमीशन दिया, दवा बिकी, फिर केमिस्ट और ड्रगिस्ट को कमीशन दिया तो उन्होंने दवाएं घर घर पहुंचाई। सारा धंधा कमीशन पे आधारित है, इसमें आपके हेल्थ का कोई महत्व तो नहीं है, ध्यान देना, कमीशन का महत्व। आप मर जाओ किसी को कोई लेना देना नहीं, उनको कमीशन पक्का। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से बहस करता रहता हूं और उनसे एक बात कहता हूं कि जो दवा तुम दूसरे मरीजों को लिखते हो वो तुम्हारी अम्मा को दे सकते हो, पिताजी को दे सकते हो, खुद खा सकते हो। कहते हैं जी हम नहीं खाते हो दवा, क्योंकि मालूम है इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन मरीजों को लिखते हैं। ऐसी बेईमानी इस बिजनेस में आ गई। फिर क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। जो दवाएं वो लिखेगा आपको बीमारी में, वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में आपको लेके जाएंगी, दूसरी से तीसरी बीमारी, तीसरी से चौथी बीमारी, जिंदगी आपकी हराम होने वाली है। हमारी घर में जो माताएं हैं ना, पता नहीं कितनी माताएं ये बात जानती हैं कि उनके मोटापे का कारण डॉक्टर की बेईमानी। ज्यादातर घरों की माताओं को मैं ये शिकायत करते पाता हूं, जी वजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है वजन? फिर उनकी केस हिस्ट्री लेता हूं तो 100 माताओं को जब मैं पूछता हूं तो 99 माताएं बताती हैं कि वजन बढ़ना तब से शुरू हुआ जब से बच्चा पैदा हुआ। तो भाई बच्चा पैदा हुआ तो आपका वजन क्यों बढ़ना चाहिए? तो वो सीजर हुआ, बस सारी कहानी यहां पे। जिन माताओं के बच्चे सिजेरियन होंगे उन माताओं का वजन तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा बढ़ने से, वो तो बढ़ने ही वाला, कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे रुकता? एक ही ईमानदारी अगर डॉक्टर करता कि सीजर नहीं करता, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता, वजन नहीं बढ़ेगा कभी भी। जब आप जबरदस्ती उसको फोर्सेप करोगे तो मां को तो तकलीफ जिंदगी भर होने वाली है, माताओं को ये पता नहीं है। और ज्यादातर माताएं सीजर कराने के चक्कर में अपनी जिंदगी खुद खराब कर लेती हैं। और कई बार माताएं मुझे बताती हैं कि हमने चाहा था कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये डॉक्टर ने नहीं होने दी, डरा दिया, 50 बातें उल्टी सीधी बोल देता है। मां डर जाती है, घर वाले डर जाते हैं, तुरंत कहते हैं भैया कर दो ऑपरेशन। जबकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से हो, सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, लेकिन ये बेईमान डॉक्टर होने नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो तो पैसे नहीं बनते उसके। ये इतना बड़ा रैकेट है पूरे देश में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो रैकेट पे रैकेट है, पता चला पेट में आपको दर्द है, डॉक्टर तुरंत कहेगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ, पता ही नहीं चलने देगा, आपकी किडनी काट के निकाल लेगा और बेच लेगा और पेट सिल देगा, आपको पता ही नहीं कि आपकी किडनी काट ले। और चूंकि एक किडनी से जिंदगी बीत जाती है तो पता ही नहीं चलता कि उसकी एक किडनी कटी हुई। 10 साल 15 साल बाद दोबारा कभी दर्द उठता है और अल्ट्रासाउंड कराता है या सोनोग्राफी कराता है तब पता चलता है एक किडनी तो गायब। ये सारा बेईमानी का खेल है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो।
तो आप बोलेंगे जी क्या करें, दो चार बातें बताता हूँ जिनका अपने जीवन में आप पालन करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहली बात ये कि आपको कोई बीमारी जिंदगी में आए नहीं, पहले तो ये कोशिश करो। वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस कहावत में थोड़ा संशोधन करना चाहिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा रोकथाम जो है ना बीमारी से अच्छी है, हमेशा, एक बार की नहीं, हमेशा। तो आप कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि बीमारी मत पड़ो। आप पूछोगे क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है। मैंने जी के देखा अपना जीवन, ये बहुत संभव है, बहुत आसान है। आपको हैरानी होगी, मैं पिछले 20 साल से एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। 20 साल हो गए, शायद अगले 20 साल नहीं पड़ूंगा। पिछले 20 साल में एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं गया, एक दिन भी, और अगले 20 साल भी नहीं जाऊंगा। क्या कारण है? मैं अपनी जिंदगी में आयुर्वेद चिकित्सा के कुछ नियम का पालन करता हूं, वो नियम ने मुझे बचा रखा है। आप भी करोगे तो आप भी बच जाओगे। हमारी दुनिया में एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, जो बीमारी से बचना सिखाती है। आयुर्वेद का सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवे। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, किसी को कभी कोई रोग ना आए, कभी कोई दुख ना हो। ये मात्र एक ही सूत्र है सारी दुनिया में जो आयुर्वेद से निकला है, बाकी एलोपैथी में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं। पूरी एलोपैथी चिकित्सा में ऐसा कोई सूत्र नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिना के बराबर। सब सुखी रहे माने निरोगी रहेंगे तभी तो सुखी रहेंगे। तो आप निरोगी रहो माने सुखी रहो, ये आयुर्वेद सिखाता है। और इसके लिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है, निरोगी कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे। और इसके लिए एक दो नहीं, सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद, सैकड़ों। कुछ नाम बताता हूं, बहुत सुंदर एक किताब है अष्टांग हृदयम, एक बहुत सुंदर किताब है अष्टांग संग्रहम, एक बहुत सुंदर किताब है भाव प्रकाश, एक बहुत सुंदर किताब है निघंटू, एक बहुत सुंदर किताब है चरक संहिता, एक बहुत सुंदर किताब है सुश्रुत संहिता। ऐसी सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं आयुर्वेद में एक ही विषय पर, स्वस्थ कैसे रहे, निरोगी कैसे रहे, 100 साल की जिंदगी बिना रोग के कैसे काटें, माने 100 साल जिंदा रहे और रोग कोई ना आए। ऐसी अद्भुत पुस्तक है, आप पढ़ो इनको, थोड़ा समय निकालो। मैं तो बहुत लोगों को कहता हूं सवेरे सवेरे फालतू अखबार पढ़ने में जो आधा घंटे लगाते हो, ये आयुर्वेद पढ़ने में लगा दो तो जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि अखबार में तो बलात्कार, चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इसके अलावा तो कुछ छपता नहीं। और अगर छपता हो तो बताओ मुझे, उसमें आधा घंटे रोज हमारा बर्बाद होता है, कई कई लोगों का एक घंटा बर्बाद होता है। ये रोज का एक घंटा निकाल के कोई ऐसी पुस्तक पढ़ लें चिकित्सा और स्वास्थ्य की, तो अपने भी काम आए, पूरे परिवार के काम। समय निकाल के सही चीज पढ़ने की आदत डालो। रात को सोते सोते नींद नहीं आ रही, 15-20 मिनट पढ़ते पढ़ते सो, नींद भी अच्छी आएगी, ज्ञान भी मिलेगा। आप बोलोगे ये पुस्तकें मिलती क्या है? बाजार में मिलती हैं, खरीद लो, ज्यादा महंगी नहीं, 200-250 रुपए में मिल जाती है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रम भी उतने में ही आ जाती है, सस्ती है। और आपको तो अब खुशी होगी कि ये हिंदी में भी है ना, वैसे ये सब मूल पुस्तकें संस्कृत में है, लेकिन अब विद्वानों ने उसका हिंदी भाषांतर भी कर दिया है, आप बाजार से ले सकते हैं। और बाजार में अगर जाओ ना मिले तो ये जो अष्टांग हृदय पुस्तक है, मैंने भी इसको लिखा है, अपने तरीके से लिखा है और बहुत सरल कर दिया है और थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है। अष्टांग हृदय मूल तो
बहुत बड़ा ग्रंथ है, कम से कम उसमें 3,500-4,000 पन्ने, बहुत बड़ा है। मैंने बहुत छोटा कर दिया उसको, 125 पन्ने में छोटी पुस्तक बना दी, आम आदमी के काम आ सके। वो यहाँ मैं लाया हूँ, आप चाहो तो ले लेगा, बहुत सस्ता है, शायद 25 रुपए का, बाजार में तो 250 रुपए का, क्योंकि बाजार में तो जो छापने वाला है उसको अपना मुनाफा भी चाहिए। हमने इसको छापा है, कोई पैसा हमें ना मिले, जितना खर्च छपाई में आया उतने में, और उसमें हमने रंगीन कागज नहीं लगाया, सस्ता वाला कागज लगाया, उसमें हार्ड बाउंड कवर पेपर नहीं लगाया, सरल सा, तो सस्ता कर दिया ताकि कोई भी गरीब आदमी खरीदे। इस पुस्तक में अद्भुत बातें हैं, 2-4 बताता हूँ आपको, जिंदगी भर याद रखो आप उसको। पहली बात ये है कि आप बीमार मत पड़ो तो क्या करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम में सूत्र है कि आयुर्वेद अष्टांग हृदयम कहता है बीमार नहीं पड़ने के लिए 3 बातें ध्यान रखो, वात पित्त और कफ, इनको संतुलित रखो, बस बीमार नहीं पड़े। वात पित्त और कफ, आपको मालूम है वात पित्त कफ के 3 दोष हैं जो आपके बीमारी का कारण है। ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को, जब वात पित्त कफ में संतुलन टूट जाता है, असंतुलन आ जाता है, वात बहुत बढ़ गया, पित्त बहुत घट गया, कफ बहुत बढ़ गया, वात बहुत घट गया, तभी बीमारी आएगी। जो वात पित्त कफ संतुलित है, समान है, तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं। ये आयुर्वेद का मूल रहस्य है। अब आप वात पित्त कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सब माताएं जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, वैसे तो सबके काम की। वात को संतुलित रखना है अगर जिंदगी भर, तो शुद्ध तेल खाओ, ये पहली बात, शुद्ध तेल खाओ। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं? हाँ, आपका तेल शुद्ध नहीं है। जिन जिन को घर में वात की बीमारी है, समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है। आप बोलेंगे जी हम तो बाजार से लाए हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड माने जहर, तेल नहीं। आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है? तेल जो होता है ना, जो तेल मिल से निकाला जाता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मूंगफली, आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को, उसने पीस के तेल निकाल दिया, ये है शुद्ध तेल, ये खाओ। तो फिर बाकी तेल क्या है? बाकी में सब है मिलावट। वो मिलावट पता है क्या है? तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं, और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है, और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, जब 2 बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिंग, और 3 बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिंग। तो बचा क्या उसमें? पानी है। वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आजकल, हाँ, और डॉक्टरों ने डरा दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जी चिकनाई मत खाना। मैं आपको जो कहने आया हूं ये कि चिकनाई खाना, देख के खाना, कौन सी खाने लायक है, कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दुनिया में 2 तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी चिकनाई कभी मत खाओ, और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ। जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL, ये अच्छी चिकनाई। और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है, और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी जरूरत है। ये जो अच्छी चिकनाई आप नहीं खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूं, आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। आम चूसने के बाद कैसा दिखता है? ऐसा हो जाएगा शरीर। चिकनाई तो खाओ, नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी।
ये जो चेहरा चमकता है ना हमारा, ये चिकनाई के कारण। अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा, देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चिकनाई तो खाओ अच्छी वाली। अब आप पूछोगे अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है? अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल में। शुद्ध तेल मैंने बता दिया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल निकला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा। सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ, ये तेल से जिंदगी भर बचो, शुद्ध तेल खाओ। किसका खाएं? जो आपकी तासीर को सूट करे उसका खाओ। किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का खाओ, तिल का किसी को सूट करे तिल का खाओ, मूंगफली का करे मूंगफली का खाओ। वैसे आप जहां रहते हो यहां के लिए नारियल तेल ही अच्छा है, जब आप राजस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा है, जब आप जम्मू कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा है। पहाड़ में रहें तो तिल का तेल, मैदान में रहें तो सरसों आदि का तेल, और समुद्र के किनारे रहें तो नारियल का तेल। शुद्ध खाओ, कभी तकलीफ नहीं आएगी, और जिंदगी में वात का कभी कोई रोग नहीं आएगा, शुद्ध तेल की इतनी ताकत है। और वात के 80 रोग हैं, 80 शरीर में, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे 80 रोग हैं। ये सब रोगों से बच जाओगे शुद्ध तेल को। अब कहां से आएगा? मदुरई में ढूंढो कोई तेल मिल है क्या, नहीं है तो लगा लो, बहुत सस्ते में मशीन आती है आजकल। जो गुजरात वाले भाई गए ना राजकोट में, मैंने देखा शुद्ध तेल निकालने की मशीन 50,000 की, और वो इतनी छोटी है कि 10 फीट लंबा कमरा, 10 फीट चौड़ा कमरा उतने में लग जाती है, और सब तरह के तेल एक ही मशीन से निकल आते हैं। नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तिल का भी निकलता है, मूंगफली का भी उसी मशीन से निकलता है। तो 50,000 की मशीन का ऑर्डर दे दो, यहाँ लगवा लो, क्या मुश्किल है। अपनी अपनी नारियल लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, मूंगफली लेके जाओ, तेल निकलवा के लाओ, और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी ढूंढ लो, उसे जिंदा कर दो, बंद हो गई होगी वो, फिर वापस चालू करो, और नहीं तो मेरी बात मानो, एक लकड़ी का कोल्हू बनवा लो, बड़ा ही यहाँ है, 15,000-20,000 में लकड़ी का वो कोल्हू बन जाता है जो बैल से चलता है, वो सबसे बढ़िया है, उसमें से तेल निकलवा के खाओ, जिंदगी में कभी भी वात का रोग नहीं आएगा। और नहीं तो तैयार रहो, 80 रोग आएंगे और सारी कमाई आपकी जिंदगी की इन रोगों में ही चली जाए। तो आप तय कर लो क्या करना। मैंने तो बता दिया भैया, शुद्ध तेल खाओ, एक मशीन लगवाओ, नहीं तो कोल्हू लगवाओ, बैल से चलवाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको। अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा, वो फोकट में तेल निकालते, पैसे भी नहीं लेते। मैं पूछा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता है? वो कहते जो तेल निकालते हैं ना उसमें तेल तो दे देते, खली रख लेते हैं, उसको बेच के पैसा निकल आता, कितना बढ़िया। दूसरा नियम आयुर्वेद का है कि देशी गाय का घी खाओ तो पित्त का रोग कभी नहीं आएगा जिंदगी में। देशी गाय का घी पित्त का रोग नहीं आएगा। अब देशी और विदेशी दो गाय हैं, आप सभी जानते हो। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, इसका घी मत खाना, दूध भी मत पीना, बहुत खराब है। घी खाना तो देशी गाय,
देशी गाय माने जिस गाय के शरीर में पीठ पे ऐसे कंधा निकला रहता है ना, वो देशी, और जितना ऊंचा कंधा उतनी अच्छी गाय। इसे खाओ, भरपेट खाओ, कोई दिक्कत। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि ये दूध को दही बना के उसको मथानी चला के जो मक्खन निकलता है ना, ये सबसे अच्छी वस्तु है खाने की, मक्खन। आयुर्वेद में कहा गया है कि घी को पचने में 4 घंटे लगते हैं, मक्खन पचने में 40 मिनट ही लगते हैं, सबसे जल्दी हजम होता है। इसलिए भगवान कृष्ण मक्खन ही खाते थे और खूब खाते थे, पेट भर के खाते। कभी सुनो हार्ट अटैक आया हो या कार्डियक अरेस्ट हुआ या ब्रेन हेमरेज, क्यों नहीं आया श्री कृष्ण को हार्ट अटैक, जबकि मक्खन के मक्खन खाते थे, पेट भर के खाते थे। इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला श्री कृष्ण मक्खन अकेला नहीं खाते थे, मिश्री के साथ मक्खन खाते थे। मिश्री और मक्खन की जबरदस्त दोस्ती है, और ये दोस्ती पता है कैसी है, जो चीज मक्खन में नहीं है वो मिश्री में है, और जो मिश्री में नहीं है वो मक्खन में है, और दोनों मिलाओ तो पूरा भोजन है। और श्री कृष्ण ने वो मक्खन खाया मिश्री के साथ, तो मारा कंस, मारा जरासंध, खुद नहीं मरे, मार दिया दूसरों। हमारे बच्चे भी खाए ना मक्खन और मिश्री, तो आज के कंसों को मारेंगे फिर ये आने वाले समय। तो बच्चों को खिलाओ माखन और मिश्री, बिल्कुल चिंता मत करो, खूब पेट भर के खाओ। मक्खन खाइए, किस तरह का मक्खन, जो मैंने तरीका बताया, दूध को गर्म करना, गर्म करके दही बनाना, दही बना के उसमें वो रई चला के, मथानी चला के जो मक्खन निकलेगा वो खाओ, नहीं तो गर्म करके घी बना के खाओ। जिंदगी में पित्त कभी भी खराब नहीं होगा, पित्त खराब नहीं होगा तो 40 रोगों से बचोगे, 40। और तीसरा नियम है आयुर्वेद का वो ये कि चीनी कभी मत खाओ, कफ का कोई रोग नहीं आएगा। चीनी, चीनी माने शुगर, चीनी छोड़ दो तो कफ की बीमारी नहीं आएगी। कफ की बीमारी जानते हैं क्या क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक में से खून आना, गले में टॉन। कफ की सबसे खराब बीमारी है मोटापा। तो अगर कफ से बचना है तो चीनी मत खाओ, चीनी छोड़ते ही कफ की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ सबसे अच्छी चीज है, और गुड़ से भी अच्छी एक चीज है मिश्री खाओ, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। मिश्री को देखा ना, गोल गोल जैसी बॉल जैसी आती है, वो शुद्ध है। जो बारीक दाने हैं ना वो तो शक्कर से बनी है, वो मत खाना। और एक बूरा आता है, बूरा समझते हैं, राजस्थान वाले समझते हैं, बूरा पीला पीला खांड से बनता है, तो बूरा खाओ, मिश्री खाओ, गुड़ खाओ। और अगर खा सकते हो, मैं माफी मांग के कह रहा हूं, शहद खाओ अगर खा सकते हो। शहद नहीं खा सकते कोई चिंता नहीं, गुड़ खाओ, बाजार में गुड़ उपलब्ध है। और गुड़ जब लाना तो एक चीज देखना बस, कि उसका रंग कैसा है। अगर ज्यादा सफेद रंग का गुड़ है तो मत लेना, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है। तो कौन सा गुड़ लें? काला काला, गहरे लाल रंग का, काले रंग का जो गुड़ है, जो देखने में खराब है वो खाने में अच्छा है, वो गुड़। गुड़ और चीनी का अंतर बताता हूं। आप आधा किलो खाना खा लो, आधा किलो दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब मिला के आधा किलो, आधा किलो खाने के ऊपर छोटा सा गुड़ खाओ, 1 ग्राम बस। तो ये 1 ग्राम गुड़ आधा किलो खाने को 4 घंटे में हजम करा देगा। 1 ग्राम गुड़ 4 घंटे में, आधा किलो खाना पूरा हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है।
अब इसका उल्टा सुनाता हूँ। आधा किलो खाना खाओ और ऊपर से आधी चम्मच चीनी खा लो, तो ये आधी चम्मच चीनी